बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी एकदम बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज मैं बड़ी खुश हूँ, बड़े मज़े में हूँ। मैं कहती हूँ आज तो मैं लुटियाँ डालूँ भाई, वो मैं कहती हूँ ज़रा सा झूम लूँ। मैं तो कहती हूँ झूम झूम के साथ घूम लूँ। तो जनाब, मेरे बच्चों ने मेरी खाई थी जान बहुत और मैंने खपाया बहुत था। और ये देखो वीडियो में आवाज़ हमारे मुर्गे की, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जनाब जी, जब महीने का एंड होता है, सैलरी में टाइम होता है, तो हम बना देते हैं मूंग मसूर की दाल और मुर्गे ने मुसलसल बोलते रहना है और मेरी वीडियो में ऐसे ही होता रहना। तो मैं अपनी वीडियो को कंटिन्यू करती हूँ। तो आज अपने बेसुरे बच्चों को मैं मूंग मसूर की दाल बनाकर इनके बेसुरे मूंग की लोकेशनें देखनी है। और इन्होंने बड़ा खपाया हुआ है, बाजार से पिज्जा खा लेते हैं तो मूंग मसूर की दाल के इनके पेट में लुटियाँ डालती हैं। आज खिला लिया मैंने इनको दालें ही दालें, माशाल्लाह। और ये बना लिया मैंने चावल। मैंने कभी बोते ही ना बेसुरे मुंह बनाए ना, चलो दाल कैसे चावल भी बना दूँ। तो बड़े दिनों बाद आई है वीडियो मेरी और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूँ क्या ना करूँ। और किचन में आते साथ ही मेरे दिल की जो होती है ना बेबाकियाँ, ओ माय गॉड, मैं किचन को देखती हूँ, मेरे दिल को कुछ होता है। ओ मैं कहती नहीं, फिर मैंने लंबे 3 सांस लिए, फिर मैंने कहा नहीं इफ्रा जी, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। तो हम अपने हस्बैंड की प्यारी सी मासी हैं और अपने हस्बैंड की मोहब्बत में बर्तन धोएंगे, क्योंकि भांडे साड़ी जान है, मेरी शान है। तो चलो मैं काम शाम कर लूँ ना, फिर बाकी अगली वीडियो में क्या करती हूँ दिखाती हूँ। और लेकर आ गई हूँ बाहर वाले सेन से उठाकर मनी प्लांट। और अम्मी कहती हैं मनी प्लांट से पैसे आते हैं। और मेरी अम्मी को तो आपने देखा ना वीडियो में, मेरी माँ सदके जाऊँ, इतनी मासूम मेरी माँ। और मैंने अम्मी को कहा, अम्मी जी अगर इससे पैसे आने लगे ना तो पाकिस्तानियों ने बाथरूम में टैले नहीं लगानी, यही लगा देने सारे। हाँ जी, उन्होंने छत भी नहीं डालनी, छत पे भी उन्होंने यही लगा देना है। इसकी मैं कर दी थोड़ी सी खिदमत, मुझे ये वाला प्लांट बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने कहा चले जी ब्यूटीफुल सा सेन करते हैं। और अब सफेद की सूरियाँ करनी है, पर बारिश इज जान नो छोड़िंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी एकदम बिल्कुल ठीक ठाक और थोड़े से बीमार। और अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह पाक आप सबको भी खैर आफियत के साथ आपके घरों आपकी राह गुजरों में सलामत रखें, आमीन। और हमारी वो वीडियो ही क्या है जिसमें हमारा मुर्गा ना बोले। और मुर्गा जी को कह रही हूँ कि आंटी इफ्रा को स्टमक प्रॉब्लम हुई है, बहुत दर्द है भाई, बहुत दर्द है, मेरे लिए दुआएँ करें मैं ठीक हो जाऊँ भाई। बड़ी देर बाद, 1 साल बाद मुझे ये दर्द हुई है। और ऊपर से हमारे हस्बैंड भी बहुत खुश हैं हमारे बीमार होने पे, क्योंकि उनके घर की दीवारें, उनके दरवाजे सलामत है ना हमारी वजह से, तो इसलिए बहुत खुश हैं। तो आगे आपको दिखाते हैं। और कैमरा मैन है हमारे आसिम बेटे। और आज हमारे कैमरा मैन के फ्राइज अंजाम दे रहे हैं छोटे बेटे मोहम्मद आसिम। और ये हमारे हैं प्यारे से मुर्गी खाना, एक मुर्गा 3 मुर्गियां, मुझे इनकी भाई। और अगर यही खुशहाली और यही खुशियां हमारे पाकिस्तान के मर्द हजरात को मिल जाए, उन्होंने खुशी से डालने भंगड़े। और उनको पेट्रोल की कीमत का भी कोई फर्क नहीं पड़ना और उन्हें महंगाई का कोई फर्क नहीं पड़ना, तो बहुत इंजॉय करेंगे। चले जी, मैं तो दुआ कोई नहीं दे। और ये देखें जी, किचन की भी मैंने कर ली है एकदम सफाई। और मैं तो घबराती नहीं हूँ, मैं क्यों घबराऊँ, मैंने नहीं घबराना। और ये देखें, और आपने बताया है इफ्राबा जी ने सफाई कैसी की है, ज़बरदस्त की है, ठीक है। तो बस अब ये है कि रोटी बना के अपने हस्बैंड को देते हैं, उसके बाद फिर हम अपनी रात का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो जाएगा। मोबाइल को लगाएंगे हम चार्जिंग पे और अपने तकिए और अपनी ऐनक को रखेंगे रेडी। तो ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो जल्दी से लाइक करें शेयर करें, ठीक हो गया। और आज मैंने अपने हस्बैंड के घर की ईंट से ईंट बजा के रख देनी है, कसमें बड़ा ही मैं तंग आई पई हूँ। और ये देखें जी, ये सोफ़ा था इस तरफ, इधर से उठा के मैंने इस तरफ किया। और ये वाला सोफ़ा, इस सोफे को तो आसिम ना घुमा घुमा के ना कंप्यूटर के आगे नचाए रखता था, तो मैंने कहा आज इसको धुल लगाऊंगी। तो मशीन हो गई है सही, और फिर धुलेंगे कपड़े। और ये हमने टेबल का बूथा यूँ कर दिया। और आगे हो क्या रहा है, आगे हो क्या रहा है, ये देखें जी, वैक्यूम इज हमारा ख़राब होइंग, बिजली का रोला पेंग। और हमने फिर पकड़ लिया झाड़ू, झाड़ू भी हमारे महीने के एंड की तरफ बिल्कुल आखिरी दमों पे है। तो सैलरी का बड़ा है वेट बड़े बेताबी के साथ, तो इंशाल्लाह खैर से आ जानी है, उन्हें खैर ना लाना तो खैर ना खर्च हो जाना है। और आसिम अपने मुँह पर हाथ रख लो, आपको भी लेकर आने लगी हूँ मैं। और ये मेरी छोटी सी क्या कहेंगे
खुरचन कहने लाडलिया बेटा मेरा मोहम्मद आसिम खान। आसिम हाथ ला के बता दो मेरे व्यूवर्स को कि हाँ जी ये आसिम है, इसने मुझे बड़ा तंग किया हुआ है। पहले बड़े वाले ने तंग किया हुआ था, उसकी शादी कर दी है और अब ये तंग कर रहा है। इसका मतलब है कि मैं इसकी शादी कर दूँ, इसके मुंह पे मैं चंडे ना मार दूँ। और ये है मेरा प्यारा सा घर और अभी मैं कर रही हूँ सफाई और आपको दिखा रही हूँ। ये देखो मैं काम भी कर लेती होती हूँ और क्या, आप क्या समझते हैं मैं क्या हट रहा हूँ मी काम चोर? नो, काम चोर तो मैं अपने हस्बैंड की हूँ। तो ये देखें ये इनके सिस्टम लगाए हुए हैं, ये बेचारा लैपटॉप की इसकी बूथी इन्होंने तोड़ दी यहाँ से, बस नुकसान करने पे लगे हुए हैं मेरे बच्चे। क्योंकि माँ की एटीएम मशीन है ना, एटीएम मशीन मी, तो मम्मा वो ख़राब हो गया, मम्मा वो फिर लेकर आ चाहिए, मम्मा ये कर लें। मेरा अब दिल कर रहा है कि जो काम मैंने इनके बचपन में नहीं किया वो काम मुझको अब इनकी जवानी में करना पड़ेगा, इनको मैं रख के चंडे तक डंडे से मारेंगे। तो सफाई कर लूँ क्योंकि हस्बैंड के भी आने का टाइम है, तो खुशगवार माहौल बनाना है, तो सारी सफाई करके तो फिर मिलते हैं आपसे। ये देखें जी माशाल्लाह मैंने कर लिया है सारा कुछ रेडी, ठीक हो गया और ये देख लें एकदम नीट क्लीन हो गया है और हस्बैंड भी मेरे बस आते आते आ रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम अजी के बाबा, आप कैसे हैं? ठीक हैं, आज फिर आज वीडियो में थोड़ा सा ठा करके लींबू पानी पीना आपने। ये ना जी अजी के पापा आज फेस रिवील कर दे अपना प्लीज। नहीं जैसे अर्निंग आएगी ना। ओ चलो आप ऐसे ना करो अजी के पापा, ऐसे नहीं करो। अभी तो पसीने पसीने बुरा हाल हुआ है, तो ऐसे पहली अर्निंग। हाँ इन्होंने नखरे करने ना, पहले अर्निंग में आएंगे मेरे साथ ये। और ये देखें जी माशाल्लाह एकदम हो गया है सारा रेडी रेडी। तो आपने फिर बताना है कि आज मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा। यकीनन अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने वक्त में से इतने कीमती लम्हात में आपने मेरी वीडियो वॉच की, थैंक यू सो मच। और फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, खुश रहें और खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज़।